कर्म करेगा चंडाल का काल या अभी अभी मसाज को ये मंत्र का पर अब आ जाए ले लेते 10 बजे तक आए नाथ की कृपा है मंत्र का पर भगवान का जितना भजन करेगा उतना खाया पिया तंग लगेगा उड़ा पहना किसम हां पर सब लगा के दुआ का कागज है तेरे अपने तुझे जलाएंगे कंडा मंडल मंडल के चलेगा मसाज के जवान फिर तुझे भूल जाएंगे 13 दिन तक तेरी से रामी है फिर 14 दिन सोन मांगा 15वें दिन एक हार डाल दे कोई किसी का है नहीं पंडित आएगा श्राद्ध करवाएगा पिंडदान करवाएगा खत्म फिर तुम अपने रास्ते से जी सकते हो दोस्ती में लोग दोग ढूंढते हैं कितना नशा करता है क्या खाता है कहाँ रहता है तो उसके वो दोस्त दोस्त जब भी करते राहुल के तू सुकर बुद्ध शनिचर है ना तो वो दोस्त से बचने के लिए भगवान को दान कर परमात्मा अन्न अन्न का दान तो अन्नपूर्णा का वास्ते वस्त्र दान तो वस्त्रता बढ़ती धन दान लक्ष्मी का वास्ते मन दान तो परमात्मा का वास्ते परमात्मा ने पैर दिए चलने के लिए हाथ दिए काम करने के लिए आंखें दिए देखने के लिए कलम चलाएगा बैठे बैठे और बिजनेस करना चाहता है जो है मन की अलग भावना आपकी भी अलग भावना है हमारी भी अलग संसार की भी अलग भावना तो अपनी भावना को बदलना पड़ता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भक्त भैरव के दर्शन करेगा तो परिक्रमा पूरी मानी जाती है काशी में 8 भैरव आठों के दर्शन करने से काशी की यात्रा सफल यहाँ गंगा में भोलेनाथ के दर्शन कर लिए विश्वनाथ में कर लिए सोमेश्वर महादेव के कर लिए केदारनाथ महादेव बड़ा हनुमान घाट है वहाँ भैरव बाबा विराज थे काल भैरव बाबा विराज थे भटक भैरव के दर्शन कर सकते भूत भैरव के भी दर्शन हो बोले बाबा भूत भैरव तो भूत भैरव सबसे खतरनाक जैसे विक्रांत भैरव है उज्जैन में उज्जैन तो देखा होगा तुमने गए होगे तो वहाँ शमशान में विक्रांत भैरव शमशान में मैं बहुत समय रहा हूँ काल भैरव मंदिर में रात को वहीं सो जाता वहाँ का पुजारी हमको बोलता था बाबा जी अंदर सो जाओ गेट का रात को बंद हो जाता काल भैरव का विक्रांत भैरव का खुला दरवाजा मशान का बाबा मशान में है रहता है जो मिला वो खा लिया भगवान का भजन जितना भजन करेगा उतना शक्ति प्राप्त होगा